जी हाँ दोस्तों, साल 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, क्योंकि हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए वो साल काफी खास था, क्योंकि इसी साल पहले T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था टीम इंडिया ने। इंडिया की इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा गया था युवराज सिंह को, क्योंकि उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। हालांकि युवराज सिंह का कुछ और ही कहना है, आप सभी को बता दें युवराज सिंह ने एक बयान के दौरान ये कहा है कि साल 2007 T20 विश्व कप के फाइनल में रोहित शर्मा की पारी काफी विशेष थी, जिसे अधिकतर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि भारत ने 24 सितंबर 2007 को जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान को फाइनल में मात दे पहले T20 विश्व कप को अपने नाम किया था। इस मैच में गौतम गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं इरफान पठान और आरपी सिंह ने 3-3 विकेट भी झटके थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें युवराज ने क्या कहा था, गौतम और इरफान का फाइनल में शानदार प्रदर्शन रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि वह संयुक्त प्रयास था। हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने 2 अहम पारी खेली थी, जिससे हमें आगे आने में मदद मिली थी। युवराज ने कहा कि लोग हमेशा फाइनल में रोहित शर्मा की पारी को भूल जाते हैं। उन्होंने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए थे और भारत के स्कोर को 150 के पार ले गए थे। अपनी पारी में उन्होंने कुछ चौके और 1 छक्का मारा था। युवराज ने कहा, हर कोई मेरी और गौतम की बात करता है, लेकिन कोई भी रोहित की 16 गेंदों पर 30 रन की पारी को याद नहीं करता, जिसने हमें 5 विकेट पर 157 तक पहुंचाया। वह टूर्नामेंट की सबसे अहम पारी थी। इरफान ने 3 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनल में रोहित शर्मा की पारी सबसे ज़्यादा खास थी। बता दें कि युवराज सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। हाल ही में युवराज ने BCCI को निशाने पर लेते हुए कहा था कि वे एक बेहतर विदाई के हकदार थे, लेकिन जिस प्रकार से युवराज सिंह का करियर डूबता गया, वो उभरने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनकी बिगड़ती तबीयत के चलते ही उनके करियर में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए थे। लेकिन दोस्तों 2007 के T20 विश्व कप के बारे में आपकी क्या राय है, गौतम गंभीर, इरफान या फिर युवराज सिंह या फिर रोहित शर्मा, इन चारों में से आपके लिए मैन ऑफ द मैच उस समय पे कौन थे? क्योंकि देखा जाए तो युवराज सिंह का कुछ खास मैचेस में अच्छा प्रदर्शन था, जो कि काफ़ी अच्छा था और इतिहास रच देने वाला था, लेकिन रोहित शर्मा की वो पारी बेहतरीन थी। उस शॉट्स, उस जबरदस्त बाउंड्री के जरिए ही टीम इंडिया को इतना अच्छा स्कोर मिला था, जो कि फाइनल मुकाबले में इतना प्रेशर के बाद खेला गया। रोहित शर्मा का अच्छी पारी थी। कमेंट करके जरूर बताएगा इन चारों नामों में से आपके लिए उस समय पे मैन ऑफ द मैच कौन थी टीम इंडिया के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।